दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 22 अगस्त को होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था। विवाद इतना बड़ा कि मामला FIR से लेकर कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के पदाधिकारी सन्ना बंधुओं ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कमेटी के मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा पर हमला करते हुए बड़े आरोप लगाए। सन्ना बंधुओं ने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ है जब एक तो कमेटी के हिसाब किताब विवादों में है और दूसरा स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और तीसरा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रबंधकों के ऊपर इतने भारी मुकदमे लगे हैं। सन्ना बंधुओं ने सिरसा पर आरोप लगाया कि सिरसा भागने की फिराक में है और साथ में ये भी कहा कि अगले 22 दिनों में मौजूदा कमेटी जाने वाली है, उससे पहले संगतों को पैसे का हिसाब दें और जिन गरीबों का पैसा रुका है उन्हें पैसा दें। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के पदाधिकारियों ने क्या कहा। और ये एक पहली दफा है भाई, इतने भारी मुकदमे हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों के ऊपर इतने भारी मुकदमे जो उनसे हैं वो बढ़े। वैसे भी अगले 22 दिनों में ये जाने वाली कमेटी है, मगर हम ये चाहते हैं जो उसने हजारों करोड़ रुपया गुरु घर का लूटा है, लोगों का लूटा है, लैंड ग्रैबिंग की है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है, उस पैसे का हिसाब ये संतों से माफी भी मांगे और जिन जिन गरीब जनों को पैसे देने हैं उनको ये पैसे भी दें। हमारे पास ये भी खबर है ये भागने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है भाई लगातार 3-4 चक्कर ये कश्मीर में लगा दे, वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ, तो इसका मतलब है ये किसी भागने की फिराक में है, किसी बड़े पॉलिटिशियन को साथ लेगा जाकर ताकि इसकी पूछताछ जोंसिया कहीं ना हो सके। मगर हम ये समझते हैं कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं उनकी अनदेखी किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए ठीक नहीं होगी। उन ऑर्डरों की अनदेखी करना और आज ये एक बड़े शर्म की बात है भाई, हमारी 5 ये आज छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ये गुहार है प्रेस के जरिए से भाई, तुमने ये जो लूटपाट की है, जो तुम्हारे लुकआउट नोटिस तुम्हारे खिलाफ निकला है, तुमने अभी तक इसका जवाब नहीं दे दिया। तुम क्यों नहीं संतों को बता रहे कि तुमने दो दो जो कंपनियों के पैसे, 3-3 कंपनियों के पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट तुम संतों को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। तो द्वारा संतक कमेटी के अकाउंट पिछले 3 सालों तो उन्होंने अपने मेंबर समान में, अपने मेंबर समान में और एक्स मेंबर भी और आम लोग कांग्रेस, क्योंकि जब इन तनख्वाहों नहीं दिखाई जा रही सन, पेमेंट नहीं हो रही सन, जरूरी चीज़ों की भी पेमेंट नहीं हो रही थी, इन्हों देसी घ्यो की जगह रिफाइंड ऑयल वरतना पै रहा है। कल इस गल की तस्दीक दिल्ली हाई कोर्ट ने करती जब उन्होंने कहा भी अपना हिसाब ला के साथ तकरीबन 46 साल 47 साल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को होता है, किसी ने अज तक दिल्ली कमेटी को यह नहीं कहा भी अपना हिसाब ला दे। और कंफर्म करती है गल कि इन्होंने इतनी चोरियां की कि दिल्ली हाई कोर्ट को इन्हों का हिसाब मंगने के लिए मजबूर होना पड़ा। सब तो वड्डी गल है। दूसरी गल कि साढ़े वास्ते सब तो अफजल है साढ़े गुरपुर मनाना,
अज कितने शर्म की गल है कि गुरवर कृष्ण साहब का प्रकाश उत्सव लक्की शाह मंजारा हाल के विच नहीं मनाया जा रहा। क्यों? जेड़ा कोविड सेंटर इन्होंने खोलिया जिन्हू बंद होया महीना हो गया पर हाले उसके संगत का इकट्ठ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने सैनिटाइज नहीं किया। जबकि खत्म होने सार सैनिटाइज करना चाहिए सी कि दर्जनवार करना चाहिए सी खुले रखने चाहिए सन दरवाजे सारे दरवाजे बंद इसका मतलब की समझा इन्होंने आद्या हूँ सिख दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जेडे सिखा दिल्ली कमेटी का सिखा का पहला है गुरपुरब मना को भी पहुंचा रहा है। मैं समझा इतनी वीडी तोहमत हैगी लानत हैगी अज भी कोई सिख इन्हों वोट पाता तो गुरदा देता जिते गुरपुरब नहीं मना बनाते पे उन्होंने की रह गया अज कह रहे कि असी अस्पताल खोलेंगे खोलो तुसी कोविड सेंटर खोलिया बंद हो गया डायलिसिस सेंटर खोलिया बंद हो गया हूँ कोविड सेंटर खोलना कि अस्पताल खोलना सानू परमिशन दित्तियां जाण सानू दसिया जाए दिल्ली के सिखा भी कितने नाल एग्रीमेंट करके अस्पताल खोल रहे हो साढ़े को पूछा सी असी तुहाडा सारा ट्रस्ट और जो एग्रीमेंट से सारा बंद देता सी तुसी दसो सानू कि बेईमानी हैगी जिहड़ी तुसी करना चाहते हो विदाउट परमिशन कोई अस्पताल खोलने की कोशिश ना करना। चौथी गल कि जी डेलाइट कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट हैगी सामने जा स्पष्ट चीज मैं दसा और अलग अलग स्कूलों के कई इंपलाइज के इशू सन जिसनों लैके सारे जी उन्होंने पी आई एल सी जी पिटीशन फाइल की सारिया कलम करके कल इको डेट से जिस तीन तरह के इशू से जोड़ा पहला इशू से उस 40% जी सैलरी उन्होंने पिछले तीस साल तो लगभग नहीं मिल रही 60% सैलरी मिल रही है 40% नहीं मिल रही। दूसरा इशू उस रिटायरमेंट के जो इंपलाइज ने जिन्होंने अब साल साल डेढ़ साल दो साल रिटायर हो गए हैं उन्होंने उन्होंने ड्यूज उन्होंने ग्रेचुटी नहीं मिल रही जी दूसरी गल की। तीसरा वो इशू से सैवंथ पे कमीशन का यह तीनों इशूज को लैके कल उस डेट से जो पहला इन्हें झूठ बोलिया 40% सैलरी का उसने कहा कि मैं जी इनको 100% सैलरी अब देनी शुरू कर दी है ये भी मैं आने वाले साल डेढ़ साल में दे दूंगा लेकिन उन्हें झूठ कि 100% का बोलिया लगभग 25 करोड़ रुपया उन्होंने स्कूलों के ही इंपलाइज का प्रोविडेंट फंड रोक के वो अब तक जमा नहीं होया। मैं उन्होंने चैलेंज करता मनजिंदर सिंह सिरसा की पूरी कमेटी ने 25 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड रोक के 3 महीने उन्होंने 100% सैलरी दे दी थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सिरते हैं इलेक्शन करके ड्यू टू इलेक्शन हाले भी करोड़ों रुपया बाकी है। दूसरा इशू रिटायरमेंट का जिम्मे सरदा साहब ने दसा कि साल साल डेढ़ डेढ़ साल तो रिटायर हो बैठे हूँ उन्होंने एक लकून है जब तक किसी प्राइवेट किसी एम्पलाइज का प्रोविडेंट फंड अप टू डेट जमा नहीं कराओगे जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई है तब तक उसको ग्रेचुटी मिल नहीं सकती। आपको बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 22 अगस्त को होने हैं। इससे पहले भी सरना बंधु कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा पर कई आरोप लगा चुके हैं जिससे कई मामलों की जांच भी चल रही है और सिरसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने की बात भी कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 अगस्त को जब संगत अपनी कमेटी के लिए मतदान करेगी तो वह किसे गुरुद्वारे की प्रधानी की जिम्मेदारी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें दिल्ली।